ये है चिंदी चोर। ये बहुत ही शातिर चोर है। 12 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन चिंदी चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाय। लेकिन अब और नहीं, अब आ गई है क्राइम फाइटिंग मशीन आईपी नानी, चोरों की सबसे बड़ी दुश्मन और मेहनत से कमाने वालों की रखवाली। आईपी नानी ने कसम खाई और शुरू हो गई अपने मिशन पर। लेकिन इस मिशन में उनके साथ है उनका नाती छोटू। छोटू, बहुत ही जरूरी है कि हम इस चिंदी चोर को पकड़ें। जब 12 मुल्कों की पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई तो वो हमारे हाथ कैसे लगेगा? चोर को पकड़ने के लिए पहले हमें उसे ध्यान से स्टडी करना होगा। क्या तूने एक बात पर ध्यान दिया? उसकी सारी चोरियां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? बुद्धू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा। नानी, वो क्या होता है? देख, तू एक ग्राफिक्स डिजाइनर है ना? हाँ, वो तो मैं हूँ। तो तुम जो अपने क्लाइंट्स के लिए लोगोज डिजाइन करते हो, वो लोगोज उनकी पहचान बन जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगोज का गलत इस्तेमाल करके अमीर बन जाते हैं। वो अपने खराब क्वालिटी के सामान पर उनका लोगो लगा कर मार्केट में बेचते हैं। वो खरीदने वालों को तो ठगते ही है, लेकिन जो ओरिजिनल सामान बेचने वाले हैं, उनकी रेपुटेशन भी खराब करते हैं। अब समझ में आया। मैं भी सोचूं ऐसा कैसे हो गया। मैंने कुछ महीने पहले ही अपने फेवरेट ब्रांड के जूते खरीदे थे, लेकिन इस बार वो एक ही महीने में खराब हो गए। बौद्धिक संपदा में चार तरह की चीजें आती हैं: ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइंस। नानी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन तो मैं समझता हूँ। ट्रेडमार्क में आता है कोई भी शब्द, चिन्ह, रंग जो किसी एक कंपनी की पहचान होती है। कॉपीराइट हुआ कोई भी किताब, उपन्यास, साहित्य या फिर कलाकृति, संगीत, पेंटिंग, जो भी किसी ने अपनी हुनर से बनाया हो। डिजाइन में हर तरह का डिजाइन, कपड़े हो या मोबाइल फोन, किसी प्रोडक्ट की दिखावट या अनुभूति, आंखों को आकर्षित करने वाले विशेष पहलू जिसका कोई कार्यात्मक उपयोग ना हो। लेकिन नानी, ये पेटेंट्स मुझे नहीं पता, ये क्या होते हैं? तुझे काफी कुछ पता है वैसे। अच्छा चल, अब आते हैं पेटेंट्स पर। पेटेंट्स होता है किसी भी आविष्कार के लिए। अब देख, जैसे तू है तो छोटू, लेकिन उसके साथ साथ पेटू भी है। वो तो हूँ मैं। और तू पेटू इसलिए है क्योंकि तू जलेबी का दीवाना है। हाँ, जलेबी। नानी, अब तो मुँह में पानी आ गया। लेकिन नानी, इसका पेटेंट से क्या लेना देना? सोच, अगर तेरे इस ब्रिलियंट दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि ऐसी मशीन हो जो फटाफट खूब सारी जलेबियाँ अलग अलग शेप, अलग अलग कलर, अलग अलग फ्लेवर बनाती हूँ। आय हाय नानी, ये तो आपने दिल की बात बोल दी। तो ये जो तेरा आइडिया है, तेरी इन्वेंशन, तेरा आविष्कार, तू इसको पेटेंट करवा सकता है, जिससे तेरे आइडिया चुरा कर कोई और ऐसी मशीन ना बना ले। खाने को खूब सारी जलेबियाँ और साथ में कमाने को खूब सारा पैसा, मैं तो जन्नत में आ गया। अरे 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 जलेबी सिंह, धरती पर आजा, धरती पर। हमें तो अभी चिंदी चोर को पकड़ना है। नानी, उसे तो अब हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, हम ऐसे चोरों से बच कैसे सकते हैं? अरे बेटा, उसके लिए सरकार है ना हमारे लिए। सरकार ने हमें सुरक्षित रखने के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी होगी। जैसे अगर तूने ये जलेबी मशीन बनाई तो तुझे उसका एप्लीकेशन फाइल कराना चाहिए। उसके लिए उनकी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर जाकर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर।
और एक फीस भर दे। वो तेरी एप्लीकेशन की जांच करेंगे और अगर तेरा आइडिया पूरी तरह से ओरिजिनल है और पेटेंट ऑफिस के क्राइटेरिया पर खरा उतरा तो पेटेंट ऑफिस तुझे पेटेंट ग्रांट कर देगा। और इसी तरह से ट्रेडमार्क और डिजाइन भी इस वेबसाइट पर रजिस्टर होते हैं। कॉपीराइट के लिए www.copyright.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन याद रहे छोटू, तुम्हारा हर काम तुम्हारा अपना ओरिजिनल होना चाहिए, समझा कि नहीं? हाँ हाँ समझा। चल अब जुट जाते हैं चिंदी चोर की खोज में। जहाँ एक तरफ आईपी नानी और छोटू चिंदी चोर को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर चिंदी चोर बेधड़क अपने लूट के आतंक को फैला रहा है। चिंदी चोर, अब तुम्हारा आईपी चोरी का आतंक खत्म हुआ। मुझे 12 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई तो तुम क्या पकड़ पाओगी? तुम भूल रहे हो कि मैं हूँ आईपी नानी। मेरी तीखी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये ले, चोरी करेगा, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अब तो तुम पकड़े गए, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? और क्या होगा, जेल होगी। और इस तरह एक बार फिर चोरों की दुश्मन और इनोवेटर्स और क्रिएटर्स की मसीहा क्राइम फाइटिंग आईपी नानी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। और हाँ, छोटू ने अपनी जलेबी की मशीन की पेटेंट एप्लीकेशन फाइल भी कर दी।